है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं दम आलू की रेसिपी। तो इसे कैसे बनाते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने 8 से 9 छोटे आलू लिए हैं, उसे अच्छे से छील लिया है और पानी के अंदर रखा हुआ ताकि वो काली ना पड़ जाए। और अभी इसे मैं एक फोर्क की हेल्प से उसके अंदर होल बनाऊंगी और उसे एक छन्नी में रखूंगी ताकि इसके अंदर जो एक्सेस पानी है या मॉइस्चर है वो सब निकल जाए, क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पर ऑयल अच्छे से हीट कर लिया है और गैस को मैंने लो मीडियम फ्लेम पे रखा है ताकि आलू 50% कुक हो जाए। इसे हमें हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है क्योंकि आलू ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पर हमें आलूओं को 50% तक कुक कर लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, आलू जब ऑयल में डालोगे तब आप सावधान से डालें क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है तो उसके छींटे उड़ने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को फ्राई कर लिया है, अब मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है, उसके अंदर 2 मीडियम साइज के अनियन डालूंगी स्लाइस करके और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 3 से 4 चम्मच ऑयल डाला है। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे, उसके अंदर 2 लौंग है, 3 से 4 काली मिर्च और 2 इलायची के टुकड़े डाले हैं। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, इससे अच्छा कलर आता है। अब इसके बाद जो मसाला हमने ग्राइंड किया था उसे डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अनियन के पेस्ट को अच्छे से हमें 4 से 5 मिनट तक भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तब तक हम टोमेटो की पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मिक्सर ग्राइंडर लूँगी, उसके अंदर 1 मीडियम साइज का रेड कलर का टोमेटो डालूंगी। याद रखें, टोमेटो रेड कलर का होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर 3 से 4 ग्रीन चिलीज डालूंगी और इसे अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। तब तक अपना अनियन भी अच्छे से भून जाएगा। उसके बाद मैंने टोमेटो की पेस्ट डाली है, वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है। तो अब टोमेटो को भूनने के लिए हम उसके अंदर नमक हल्दी डाल के उसे भी अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर मैंने ढक्कन रख के पकाया है ताकि जल्दी से इसका ऑयल सेपरेट हो जाए मसाले से। तो हमें 3 से 4 मिनट तक ढक के इसे पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तब मैं इसके अंदर 1 पिंच चीनी डालूंगी ताकि सारे फ्लेवर्स को बैलेंस कर पाए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, उसे मैं हाथ से ही क्रश करके डालूंगी, इसे भी मिक्स कर लूंगी। अब इसके अंदर जो आलू हमने फ्राई किए हैं उसे डालेंगे और इसे भी भून लेंगे ताकि जो मसाला है वो उस पर अच्छे से कोट हो जाए। ये प्रोसेस हमें 1 से 2 मिनट के लिए ही करनी है। अब इधर पानी डालूंगी, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। लगभग यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 कप पानी डाला है और थोड़ा पानी डालने के बाद मैं इसे ढककर पकाऊंगी। आपके हिसाब से ग्रेवी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग इसे रोटी के साथ खाने वाले, इसीलिए मैंने ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनाई है। और इसे अच्छे से पका लेंगे आलू पकने तक। ये देखिए, यहाँ पर लगभग 5 मिनट हो गए हैं हमें इसे पकाते हुए। यहाँ पर आलू अच्छे से पक गया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डालूंगी और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के उसके ऊपर घी डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। लास्ट में घी ज़रूर डालना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अभी मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। और इसे गार्निश करूँगी हरे धनिए के साथ। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, नान, चावल, किसी के साथ भी। ये बहुत टेस्टी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।